ई लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है व्यक्तिक विभिन्नता। आज मेरा क्या टॉपिक है? व्यक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिक विभिन्नता होता क्या है। क्या क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिक विभिन्नता होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि दुनिया में दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। दुनिया में दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें कुछ न कुछ शारीरिक और मानसिक अंतर पाया ही जाता है। उनका शारीरिक और मानसिक अंतर पाना ही जो है व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। और व्यक्तिक विभिन्नता को सबसे पहले अध्ययन किया और उनके जनक जो हैं वो गाल्टन साहब हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का सबसे पहले अध्ययन करने वाले कौन हैं? गाल्टन साहब हैं। और जनक भी कौन हैं? गाल्टन साहब हैं। गाल्टन साहब की एक जो है बुक पब्लिश हुई है, उसको जो है 1869 में उसको हेरिडिटरी जीनियस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेरिडिटरी जीनियस के नाम से जानते हैं। और यानी उसको हम वंशानुगत प्रतिभा भी कह सकते हैं, हिंदी में भी जान लीजिए उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वंशानुगत प्रतिभा भी उस बुक को कहे हैं। और उसके बाद हम बताएंगे कि व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार कैसे होते हैं, कैसे हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता को क्लासिफाइड करते हैं, कैसे उसको हम लोग बांटते हैं व्यक्तिक विभिन्नता को। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? शारीरिक विभिन्नता। किसकी बात करते हैं? शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता किस केस में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, मोटा होता है, कोई व्यक्ति पतला होता है, कोई व्यक्ति कितना भी खा लेता है वो उसको मोटा होता ही नहीं है। कारण वहाँ पे सबसे पहला उनका हो जाता है हेरिडिटरी नेचर, यानी यह जो गुण आता है उनके अंदर उनके पेरेंट्स से आता है, उनकी पिछली पीढ़ी से भी आता है। कुछ लोग आप देखेंगे उनके घर में सभी मोटे होते हैं या सभी पतले होते हैं, तो उसका सबसे मूलभूत कारण, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनकी पीढ़ी में ऐसा था, यानी जेनेटिकली उनमें ये चीज़ है। तो आपका हमने क्या बताया कि व्यक्तिक विभिन्नता में क्या का मतलब क्या होता है कि अंतर शारीरिक तौर से भी होगा, मानसिक तौर से भी होगा, और भी जैसे मान लीजिए जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं उनमें भी बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। उनमें भी क्या होता है कि बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया क्या कि शारीरिक विभिन्नता को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। यहाँ एक बात क्या हुई कि कोई व्यक्ति मोटा हो सकता है, कोई व्यक्ति पतला हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि मानसिक विभिन्नता। कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? बहुत ही कुशाग्र कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होगा। कोई व्यक्ति जो होता है सामान्य बुद्धि का होगा। कोई व्यक्ति मंद बुद्धि का होगा। यानी हम ये कह सकते हैं किसी किसी को, बच्चों को ही हम पढ़ाते हैं तो किसी किसी को क्या होता है कि कोई चीज़ एक बार में समझ में आ जाती है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक उनके माइंड में सेटअप रहती है। तो उनको हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है, यह बच्चा जो है बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का है। ये किस बुद्धि का है? कुशाग्र बुद्धि का है। और किसी किसी को वो चीज़ पढ़ने के लिए 2 से 4 बार लगता है, 10 बार पढ़ते हैं तो भी उनको जल्दी याद नहीं होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। और जैसे क्या क्या होता है, कुछ लोग सामान्य बुद्धि को होते हैं, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि को होते हैं। सामान्य बुद्धि आप ऐसे कह सकते हो कि 2 से 3 बार में समझ में आ जाना, ये सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आते हैं, ये सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। और जैसे यहाँ भी कहीं ना कहीं आपका जो है पीढ़ी वाला जो असर है, हेरिडिटरी नेचर जो है यहाँ भी मायने रखता है। आप देखेंगे किसी किसी के घर में 4-4 IAS है, 5-5 IAS है, या 4-4 5-5 टीचर है। कहीं ना कहीं वो नेचर जो है उनमें जो है एक्टिव है, वो जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। और उसका जो हमारा वातावरण है उससे जो उनका संपर्क है, उसका जो वातावरण से उनका मेल है, वो ऐसा मैचिंग करता है कि वो अपने उस टेंडेंसी को बरकरार रखते हैं। और एक ही घर में 2-4 टीचर रहते हैं, 2-4 IAS रहते हैं, PCS रहते हैं, या घर के सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लाई रहते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो है जिम्मेदार कौन है? एक तो उनका हेरिडिटरी नेचर और दूसरा उनका वातावरण के प्रति अंतःक्रिया। दोनों का मेल खाना, दोनों की सिचुएशन, दोनों की क्षमताएँ एकदम बिल्कुल एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ हम किसको क्या कहेंगे? मानसिक विभिन्नता कहेंगे।
जब कभी संवेगात्मक विभिन्नता की बात आ जाए, जैसे आप जब कभी संवेगात्मक विभिन्नता की बात आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि संवेगात्मक विभिन्नता में क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही क्रोधी टाइप से होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही नॉर्मल होता है, सामान्य तरीके से डिसीजन लेता है या सामान्य तरीके से कहीं भी अपने पॉइंट को या अपनी समस्या को रखता है या समाधान करता है, और कोई व्यक्ति क्या होता है हमेशा एक जो है उनका एक सिद्धांत होता है। तो ये जो है आपका जब कभी संवेगात्मक विभिन्नता की बात आ जाए तो तुरंत समझ जाइए संवेगात्मक विभिन्नता का मतलब ही क्या हो गया, क्रोध स्वभाव से होना या दया वाले स्वभाव से होना। और सबसे खास बात क्या है इस संवेगात्मक विभिन्नता में कि जो है इस संवेगात्मक विभिन्नता में जो हमारे मस्तिष्क का विकास होता है या फिर हम लोग जो भी अपना काम करते हैं अपने लाइफ में या अपने एम को जो भी अपने गोल को अचीव करते हैं उसको अचीव करने के लिए 80% संवेग मायने रखता है, वाले 20% बुद्धि मायने रखती है। यानी संवेगात्मक विभिन्नता का इतना बड़ा रोल है कि इंसान के विकास के लिए और इंसान के आगे बढ़ने के लिए उसमें जो है 80% आपके संवेग वाली भावना का महत्व है, 20% आपकी बुद्धि मैटर करती है। जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम, मान लीजिए हमने कोई टॉपिक पढ़ा या हम व्यक्तिगत विभिन्नता ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक रूम में मैंने पढ़ा तो वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, मैं क्वेश्चन भी कर ले जा रही हूँ, बट उसको मैं जब एग्ज़ाम हॉल में करती हूँ तो वहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, वहाँ पर इसके जो है रूम की कंपैरिजन में, रूम की कंपैरिजन में जो आपका एग्ज़ाम हॉल है वहाँ पे मेरा संवेग मैटर करेगा कि मैं कितने ज़्यादा संवेग से उसको ले रही हूँ, कितने ज़्यादा संवेग से उसको मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है और मैं उसका कर पा रही हूँ। बहुत लोग हड़बड़ाहट में नहीं दे पाते रिप्लाई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उसका संवेग होता है, इंटरव्यू वगैरह में भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल संवेग होता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता की, व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता की हम बात करते हैं। व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता का मतलब ही हो गया कि इंसान का या फिर बालक का व्यक्तित्व कैसा है, इंसान या बालक का व्यक्तित्व कैसा है। इंसान और बालक का व्यक्तित्व, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं शर्मीले स्वभाव के होते हैं और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं बहुत ही लज्जाशील स्वभाव के होते हैं। तो एक व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो है व्यक्तित्व, जो इंसान का व्यक्तित्व होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसके लिए मैटर करता है, व्यक्ति के विभिन्नता के पॉइंट से मैटर करता है कि इस इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। कुछ लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग लज्जाशील स्वभाव के होते हैं। तो उनका जो डिसीज़न लेना होता है, जब इंसान डिसीजन लेगा तभी वो अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। डिसीजन लेने की एक एज होती है और हर जगह आप किसी को फॉलो करके नहीं आगे बढ़ सकते हो, तो आप डिसीजन लोगे वो आप अपने व्यक्तित्व वाले स्वभाव से ही डिसीजन लोगे। तो आपका व्यक्तित्व वहाँ आपके जो है मैटर करता है कि आप कौन सा डिसीजन किस टाइप से लेते हो। जैसे आप कहीं कहीं आपको स्टिक होना ही पड़ता है, बट आप वहाँ स्टिक नहीं होते हो, आप नॉर्मली पेश आते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपका डिसीजन आपके विकास में बाधा डालता है। तो आप एक तरफ से कह सकते हो कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा है, उसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं बहुत ही रूडली बात करते हैं, तो स्टाफ वगैरह में कुछ एम्प्लॉय कहते हैं कि उनसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, वो ऐसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी छवि को भी समाज में बनाती बिगाड़ती है आपका व्यक्तित्व, तो और साथ में आपके जीवन का, आपके कौशल का जो विकास होता है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। क्या डालता है, व्यक्तित्व डालता है। ठीक है, अब हम बात किसकी करते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, माने जो ये हमारे जीवन में व्यक्तित्व विभिन्नता है या और लोगों में अंतर है, जो लोगों का मिसमैच हो रहा है उसके कारक क्या हैं। मतलब हम ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो लोगों में डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको होने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसको होने के लिए कौन जिम्मेदार है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात होती है किसकी, ग्रहण शक्ति की होती है। जैसे मैंने आप लोगों को आज क्लास में क्या पढ़ाया, व्यक्तिक विभिन्नता पढ़ाया,
तो वहाँ पे मिनिमम 30 से 60 अगर स्टूडेंट मेरे सामने पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो ग्रहण शक्ति कैसी है, ग्रहण शक्ति कैसी है, माने वो उसको कितना सीरियस होके समझते हैं, या वो एक बार में चीज़ों को समझते हैं या एक बार में नहीं समझते हैं, 2 से 4 बार लगता है या 4 से 6 बार भी लग सकता है। तो ग्रहण शक्ति भी एक व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी ग्रहण शक्ति भी व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा की। एक ही घर में 4 बच्चे होते हैं, उनका जो शिक्षा हो अलग अलग रहता है। कोई बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना पसंद करता है, कोई बच्चा जो है टीचिंग फील्ड में जाना पसंद करता है, कोई बच्चा जो है IPS बनना चाहता है। तो जो शिक्षा की रणनीति है एक ही माँ के 4 बच्चों में 4 तरह की होती है। किसी किसी को साइंस पसंद है, किसी किसी को आर्ट पसंद है, किसी किसी को स्पोर्ट्स पसंद है। तो आप शिक्षा को लेकर के भी व्यक्तिक विभिन्नता का जो का है, शिक्षा भी एक बहुत बड़ा माध्यम है व्यक्तिक विभिन्नता का। आप कह सकते हैं कि शिक्षा जो है बहुत बड़ा माध्यम है व्यक्तिक विभिन्नता का। अब हम बात करते हैं अधिगम का। जब कभी शब्द यहाँ पे अधिगम आ जाए, तुरंत समझ जाइए अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का क्या मतलब होता है, सीखना। यानी ये जो आपका अधिगम है, यहाँ पे विद्यार्थी किस स्तर से सीख रहा है। सबसे पहले तो बात, अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30ों के जो अधिगम की क्षमता है वो बिल्कुल अलग होगी। कैसे अलग होगी, 30ों को एक ही बात 30 तरह से समझ में आती है। ज़रूरी आप नहीं कह सकते हो कि एक ही तरीके से 30ों को बात समझ में आ सकती है। अगर हम किसी से व्यक्तिगत विभिन्नता किसी को पढ़ा रहे हैं और उसे पूछ रहे हैं, तो वो अपने ओपिनियन को अलग ही उससे कुछ बताएगा। और भले बुक से थियोरी को पढ़ करके वो मुझे एग्जैक्ट बताने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो अपना ओपिनियन उसमें रखता है तो 30ों के ओपिनियन में डिफरेंस रहेंगे। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि अधिगम जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने का सबसे बड़ा कारक है। अब ऐसे कभी कभी घर में ही होता है, ऐसे हम कहते हैं कि ग्लास खाली है, या कहते हैं ग्लास आधा खाली है, कुछ लोग क्या कहते हैं ग्लास आधा भरा है। तो उसके सीखने की वहाँ अलग कैपेसिटी थी, किसी ने उसको पॉजिटिव सेंस में सीखा और किसी ने उसको नेगेटिव सेंस में सीखा। रुचि, हम यहाँ रुचि की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए रुचि अधिक, एक तरफ से व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने का सबसे एक बहुत अच्छा कारक है रुचि, कि विद्यार्थी का रुचि किस में है, वो पढ़ना कैसा चाहता है। कभी कभी बच्चों को कॉमर्स पसंद होता है बट पेरेंट्स कहते हैं नहीं आपको इंजीनियरिंग ही करना है, तो बच्चा अपना कैरियर उसमें बहुत अच्छा नहीं बना पाता है, एक पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं हो पाता है। क्यों वेल डेवलप्ड नहीं हो पाता है, कारण क्या है कि बच्चे की रुचि जो है कॉमर्स में है, गार्जियन ने उसको किस में भेज दिया, इंजीनियरिंग के फील्ड में भेज दिया, वो वहाँ पास भी हो गया अच्छे नंबर से बट वहाँ पे बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाया। कारण क्या था, उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसकी उसको ललक नहीं थी, उसकी उसको लगन नहीं थी, उसको तड़प नहीं थी वो काम करने की, वो चीज़ होने की। वंशानुगत बहुत बड़ा माध्यम है व्यक्तिक विभिन्नता का। वंशानुगत क्या होता है, बहुत ही बड़ा माध्यम है विभिन्नता का। वंशानुगत एक तरफ से हम कहेंगे कि जो गुण हमको हमारे पेरेंट्स से मिला या फिर हमारे दादा परदादा से मिला, उस पीढ़ी से मिला, वो बहुत ही बड़ा कारण है व्यक्ति विभिन्नता का। जैसे अभी एक ही क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं और 10ों का वंशानुगत विभिन्नता अलग अलग होगा, 10ों का तौर तरीका, किसी चीज़ को लेकर सोचने की क्षमता या फिर कोई काम करने के लिए डिसीजन लेने का तरीका बिल्कुल मिसमैच करता है। कारण उसका वहाँ पे क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता है। अब हम बात करते हैं, वंशानुगत का मतलब हो गया कि जो हमने गुण अपने पेरेंट्स से लिया और वो करेक्टर मुझ में आया और उसी के करेक्टर का जो है बेस पे मैं अपने काम को कर रही हूँ, अपने टारगेट को अचीव कर रही हूँ, बट उसमें आता है वातावरण। वातावरण यानी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट माने जो वहाँ से अर्जित गुण है, जो मुझे गुण मिल रहा है, मेरे आसपास का जो माहौल है। ऐसा अभी मेरे साथ में 2-4 लोग हैं, सब सिविल की तैयारी कर रहे थे, यानी कि मुझ में भी वो इंटरेस्ट होगा कि मैं सिविल की तैयारी करूँ
और प्लस मेरे जो पेरेंट्स का नेचर मुझ में आया वो दोनों मिल करके एक गुडविल को लाते हैं, एक अच्छे भविष्य को लाते हैं। तो आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी का जो गुण मुझ में अच्छा आया और साथ में जो मेरा वातावरण था, मैंने जो मैंने एनवायरनमेंट से चीज़ों को कैप्चर किया, जो मैंने एक्सेप्ट किया, उन दोनों का क्या हुआ, अंतःक्रिया हुआ, इससे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं धर्म। धर्म भी बहुत बड़ा रीज़न है व्यक्ति विभिन्नता का, कि जैसे हमारे धर्म में जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, हालांकि इनके जो ग्रंथ हैं सब में बात एक ही कही गई है, सब में कहा गया कि कर्म सबसे बड़ा है, बात एक ही कही गई। लेकिन धर्म भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर के। और उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृति की। संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ा कर, जैसे अभी मैं कह दूँ कि मैं इंडियन बहू हूँ, तो मेरा एक संस्कृति है कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, पेरेंट्स को करना है, और उसके बाद में घर बच्चे को देखना है, फिर मुझे अपने प्रोफेशनल में आना है। तो कहीं ना कहीं मेरी संस्कृति भी मेरे डेवलप को, मेरे सफलता को लेकर के एक बहुत बड़ा योगदान देगी। और यह भी एक प्रकार से व्यक्तिक विभिन्नता है। अगर हम तुलना करते हैं फ्रांस की लेडीजों से, या फिर अमेरिका की लेडीजों से, या फिर अपने इंडियन बहुओं से, तो उनमें बड़ा डिफरेंस आता है। तो संस्कृति भी बहुत बड़ा योगदान है आपके लाइफ को, आप टारगेट को अचीव करने के लिए, और उसी में आपका व्यक्तिक विभिन्नता भी जुड़ा है। आप कह सकते हैं कि संस्कृति जो है एक बहुत बड़ा कारक है व्यक्तिक विभिन्नता के लिए, अंतर को अलग करता है कि अमेरिका की बहुओं में और इंडियन बहुओं में क्या डिफरेंस है। संस्कृति बहुत बड़ी चीज़ है। हम क्षमता की बात करते हैं, किसी कोई इंसान उसी का, जैसे यहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नता का एक कारक है क्षमता। क्षमता को हम इसलिए कह सकते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट को अभी हमने मान लीजिए कोई पैसेज दिया, और उस पैसेज के क्वेश्चन को करने में वहीं एक बालक को 10 मिनट लगता है, दूसरे बालक को 15 मिनट भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकता है। तो क्षमता भी व्यक्तिक विभिन्नता का कारण, कहीं ना कहीं आप क्षमता से डिसाइड कर सकते हो कि ये इसके अंदर व्यक्तिक विभिन्नता है। और बात करते हैं नज़रिया का। हमने आपसे भी बताया था कि किस चीज़ को हम किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है पढ़ने स्कूल गया, और गार्जियन के मन में है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, चलो उसको हम देखाते हैं, फॉलो करते हैं उसको, बच्चा क्या कहाँ, तो हम देखते हैं कि बच्चा मूवी देखने गया है, और वहीं पे एक गार्जियन जो है वो ये सोचता है नहीं बच्चा पढ़ने गया है। तो हम किस नज़रिए से देखते हैं, अब देखिए दोनों गार्जियनों के बच्चे हैं, और दोनों को अपने बच्चों से बहुत लगाव है, और दोनों को अपने बच्चों के फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता है। लेकिन आज यहाँ पे दोनों के नज़रिए में बड़ा फ़र्क है। एक तो सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैंने बहुत मेहनत से पैसा कलेक्ट किया है, मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और पढ़ भी रहा है वो, और एक ने क्या सोचा, चलो देखे कर क्या रहा है, देख रहे हैं वो मूवी देख रहे हैं। तो आप नज़रिया भी बहुत बड़ा कारण है किसके लिए, व्यक्तिक विभिन्नता के लिए। वेशभूषा बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे इंडियन वेशभूषा, हमारे जो इंडियन का अलग है, और उसके बाद वेस्टर्न कल्चर का वेशभूषा अलग है। तो वेशभूषा भी बहुत बड़ा योगदान रखती है व्यक्तिक विभिन्नता के लिए। तो पहनावा बहुत बड़ी चीज़ है व्यक्तिक, अभी देखिए जैसे बंगाली में मैरिज होती है तो उनकी वेशभूषा अलग होती है, अभी मुस्लिम में भाइयों में मैरिज होती है तो उनकी वेशभूषा अलग होती है। तो व्यक्तिक विभिन्नता को आप वहाँ से भी कह सकते हो कि यह भी एक प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नता है। और वेशभूषा और खान पान में भी एक बहुत बड़ी चीज़ है व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर, जैसे कि वेस्टर्न साइड के लोग, यूरोपियन लोगों का खान पान हमसे बहुत डिफरेंस है, हम लोग का उनके कंपैरिजन में अलग है। तो खान पान भी बहुत बड़ा कारण है व्यक्तिक विभिन्नता की। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी व्यक्तिक विभिन्नता डिसाइड करती है कि आप किसी भी समस्या का समाधान कैसे करोगे। जैसे अभी 10 लोग हैं, एक समस्या है, उस समस्या को 10 लोग जो है अपने स्तर से उसका सुझाव देंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है व्यक्तिक विभिन्नता का। और उसके बाद तर्क शक्ति, जैसे मान लीजिए हम 2-4 दशकों के बीच में बैठे हैं, पॉलिटिक्स की ही बात हो रही है, या न्यू जो ये नई शिक्षा आई है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होगा। अलग अलग ओपिनियन होना
और ओपिनियन में अंतर करना ही एक प्रकार से क्या है, बहुत बड़ा रीज़न है व्यक्तिगत विभिन्नता की। सृजनात्मकता की हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपका इसरो है, तो इसरो में क्या हो रहा है, डेली सृजनात्मकता शब्द से ही पता चलता है कि नई नई चीज़ों का बनना, नई खोज करना, तो इसरो में भी सृजनात्मकता है। और जो मेरा ये घर है मान लीजिए, तो यहाँ मैंने टीचिंग का कोई अलग तरीका ढूंढा, तो यह भी मैंने क्या किया, सृजन किया, यह भी मैंने क्या किया, सृजन किया। अब हम बात करते हैं लिंग की, लिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है व्यक्ति विभिन्नता की। मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस है, जैसे हम बात कर देते हैं कि फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम होता है मेल की कंपैरिजन में, है कि नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, इसको भी आप व्यक्ति विभिन्नता कह सकते हैं। उसके बाद हम उम्र, एक 5 साल की बच्चे की जो सोच है वो अलग होगी, एक 10 साल के बच्चे की सोच अलग होगी, तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि व्यक्ति विभिन्नता का कारक आपका उम्र है। प्रजाति की हम बात करें, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जो है काले गोरे दो प्रजाति के लोग होते हैं, और अक्सर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो नोटिस किया गया कि श्वेत प्रजाति के बच्चों का जो मेरिट है, जो एकेडमिक मेरिट है, वो अश्वेत बच्चों की कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो यहाँ पे प्रजाति मैटर करती है। आपको अपनी टंग लैंग्वेज में बता दें कि जैसे मान लीजिए हम एजी की फील्ड में बताएं कि कुछ गाय क्या होती है, उनको कितना भी खिलाओ वो 2 लीटर 4 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती है, और कुछ क्या होती है उनका जो है उनको नॉर्मल खिलाओ लेकिन वो क्या करते हैं, दूध देती है, उन्हें क्या कहेंगे आप, प्रजाति का अंतर कहेंगे। अब मैं बात करती हूँ सबसे बड़ी चीज़ व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर के, व्यक्ति विभिन्नता को लेकर राष्ट्रीयता। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, लोग सरकारी नौकरी के फैन हैं, इनको हर मतलब कि आपके घर में क्या व्यवस्था है ये नहीं मैटर करता है, आप कितना एक्सपेंस करते हो ये नहीं मैटर करता, बट ये कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई। और वहीं हमारे अमेरिका की बात कर दें या यूरोपियन कंट्री की बात कर दें, तो वहाँ पर जो है वहाँ के लोग बिजनेस करने के फैन हैं, वहाँ पर सरकारी नौकरी को उतनी प्रियोरिटी नहीं दिया जाता है। बात समझ में आई? तो ये हमने किसके बारे में बताया आपको, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक को, व्यक्ति विभिन्नता को प्रभावित होने वाले कारक के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि गाल्टन साहब जो है एक फ्रांसिस जो है फिलोसोफर रह चुके हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि का क्या किया, अध्ययन किया पहली बार, और इनको एक तरफ से जनक कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। किसको जनक कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन साहब को कहा जाता है। थैंक यू, अब हमारी क्लास कल होगी।